हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अनुपात और समानुपात। तो अभी तक हमने नंबर सिस्टम के सारे टाइप पढ़ लिए थे, ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं, यानी जब भी कोई संख्या अनुपात में लिखी होगी तो हम उसको भिन्न के रूप में यानी 2/3 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में यानी 2:3 को 2/3 लिख सकते हैं। और मान लो कोई संख्या अगर ऐसी लिखी 4/5, यदि हमने इसमें गुणा किया ऊपर 2 से, नीचे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि इसका जो आनुपातिक मान है वो चेंज ना हो, और चाहे तुम कुछ भी करो, यानी जो ऊपर जितनी संख्या से गुणा करना पड़ेगा उतने का ही नीचे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, अब तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि अनुपात मिलाना। अनुपात मिलाना, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन दे रखा होगा कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए, ठीक है ना। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। तो सबसे पहले हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है ना। तो ए के नीचे ए और बी के नीचे बी और सी के नीचे सी वैल्यू लगानी है बस। तो ए और बी की वैल्यू कितनी है 2:3, बी और सी कितनी है 4:5, ठीक है ना। अब जो खाली जगह है उनके बगल में जो लिखा है उसे वही लिख दो बगल में। तो यहाँ खाली जगह तो यहाँ कितने लिखते हैं 3, यहाँ खाली जगह कितने लिखते हैं 4, 4 × 8, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले हमने लिखा ए के नीचे ए और बी के नीचे बी लिखना है और सी के नीचे सी लिखना है। तो ए और बी की वैल्यू 2:3 और बी सी की 4:5। तो यहाँ खाली जगह थी, यहाँ हमने 3 लिख दिया बगल में, और यहाँ खाली जगह थी तो इसके बगल में आ रहा 4, इसको 4 लिख दिया। गुणा कर दो 4 × 8, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, ठीक है ना। नोट करें, आगे देखें। अगला सवाल है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए, ठीक है ना। तो हमें निकालना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ए की वैल्यू 3:5, ए और बी की और बी और सी की है 4:5। तो यहाँ खाली आएगा तो इसके बगल में कितना आ जाएगा 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 4। कर दो 4 × 3 = 12, 5 × 6 = 20 और 5 × 25, यही आंसर है। नोट करें, आगे देखें। अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 / बी अनुपात सी बराबर 3:2 तथा सी अनुपात डी बराबर 3:4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताइए, ठीक है ना। क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 / बी अनुपात सी बराबर 3:2 तथा सी अनुपात डी बराबर 3:4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताइए। तो अभी की तरह करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 3:5, आगे 3:2 और सी डी कितना है 3:4। अब भाई अभी की तरह यानी जो बगल में लिखा है उसी को लिख दो 5 और 5, यहाँ कितना आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा इसके बगल में 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। कर दो गुणा, अब 3 × 9 = 27, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, 5 × 2 = 10 और 10 × 3 = 30, 5 × 2 = 10, 10 × 4 = 40,
सही है ना, नोट करें। अगला क्वेश्चन देखें आगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 5:4 तथा ए अनुपात डी बराबर 4:3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात, केवल ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। ठीक है ना, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:4 तथा ए अनुपात डी बराबर 4:3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। यहाँ होगा सॉरी ए अनुपात सी। ठीक है ना, यानी कि अब बताना हमें ए अनुपात बी अनुपात सी। तो अब एक ही तरह करना हमें, लिखना है पहले ए अनुपात बी अनुपात सी, ए और बी की वैल्यू कितनी है 5:4 और ए सी दे रखा है। अब यानी ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3। ठीक है ना, अब अभी तक तो हमें पता था कि हम जो बगल में आता था उसको लिख देते थे, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं है कि यहाँ 4 लिखें या 3 लिखें, यानी 4 भी आ सकता है 3 भी आ सकता है। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो जाए तो हमें देखना है कि इसमें वैल्यू किसकी डबल आ रही है, ए की है बी की या सी की। तो जब डबल आ रहा है उसको बराबर करना है बस। तो यहाँ हमने देखा यहाँ ए की वैल्यू 5 और यहाँ कितनी है 4, यानी ए की वैल्यू इसमें डबल बार आ रही है 2 बार, तो इसको ही बराबर करना है बस। तो हमें क्या करना है कि यहाँ 4 है तो इसमें गुणा कर दो 4 से, और यहाँ 5 है तो इसमें कितने से कर दें 5 से। तो 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16 सही ना। अब इधर कर दो 5 × 4 = 20, ये तो 20 पहले लिख चुका, और यहाँ कर दो 5 × 3 = 15, कितना आ गया 20 16 15। यानी जब भी इस टाइप का सवाल आया तो ये देख लो इसमें वैल्यू किसकी डबल बार आ रही है, यानी 2 बार। तो हमें पता है कि ए का मान यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, क्वेश्चन एक ही है लेकिन वैल्यू कैसी अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में क्रॉस गुणा कर दो 4 का इसमें और 5 का इसमें, कर दो 4 × 5 = 20 और 4 × 4 = 16, इसमें कर दो 5 × 4 = 20 जो कि पहले लिख चुका, और 5 × 3 = 15। ठीक है ना, एक तरीका तो ये, दूसरा इसको भी देख लें। हमें पता है कि ए वट्टे बी बराबर दे रखा है 5/4 और आगे बी वट्टे सी बराबर 4/3। अब देखना है कि इसमें डबल कौन है उसको बराबर कर दो। यहाँ आ रहा है ए और बी और यहाँ आ रहा है ए और सी। ठीक है ना, यानी ए की वैल्यू 2 बार आ रही है। अब ए यहाँ भी और यहाँ भी है तो इसको बराबर कर दो। यहाँ 4 है तो इसमें गुणा कर दो 4 से, ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा। इधर 5 है तो इसमें कर दो 5 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20 और 4 × 4 = 16 जो हो जाएगा 5 × 4 = 20 और 5 × 3 = 15। यानी ए वट्टे सी और ए वट्टे बी ये आ गया। अब लिख लो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए की वैल्यू 20 चाहे यहाँ से लिखो चाहे यहाँ से लिखो, बी की वैल्यू 16 और सी की वैल्यू 15। ठीक है ना, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, एक ही बात है, नोट करें। आगे देखें, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी ऐसा। अगला क्वेश्चन है यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा ए अनुपात सी बराबर 3:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। ठीक है ना, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा ए अनुपात सी बराबर 3:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। तो लिख लें ए अनुपात बी अनुपात सी, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, आगे ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 5। अब देख लो फिर अभी की तरह, यानी ए की वैल्यू 2 और आ रही तो इसको बराबर करना है, तो इसमें करते हैं 3 से गुणा और इसमें कर दो 2 से गुणा, कर दो 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। अब इसमें कर दो 2 × 3 = 6 जो कि पहले लिख चुका और 2 × 5 = 10। ठीक है ना, नोट करें। अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 7:6 तथा बी अनुपात सी बराबर
5:2 हो तो ए अनुपात सी का मान बताइए। ठीक है ना, ए अनुपात सी बताना है। क्वेश्चन है यदि ए अनुपात बी बराबर 7:6 तथा बी अनुपात सी बराबर 5:2 हो तो ए अनुपात सी का मान बताइए। तो देखें तो हमें तो पहले पूरा ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, निकाल लो ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी की वैल्यू 7:6 और बी सी की है 5:2, यहाँ कितना आ जाएगा 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 6। ठीक है ना, पहले जो क्वेश्चन था वो अलग था, अब यहाँ तो हमें क्लियर है कि यहाँ तो इसका पड़ोसी कौन आ जाएगा 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 6। लेकिन अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वहाँ स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि इधर ए लिखे 5 बढ़ाएं या 2 बढ़ाएं पीछे वाले सवाल में। ठीक है ना, लेकिन यहाँ तो क्लियर है कि यहाँ तो 5 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 6। यानी जब भी क्वेश्चन ऐसा होता, मान लो ऐसा हो जाता यार यहाँ पे मान लो 3 होते तो कि दिक्कत आती है कि यहाँ पर 3 लिखे या 2 लिखे हैं। लेकिन अभी तो क्वेश्चन सही दे रखा है कि ए और बी की वैल्यू 7:6 और बी सी की है 5:2। अब यहाँ क्या आ जाएगा 5 और यहाँ 6 कर दो, 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 30 और 6 × 2 = 12। हमसे पूछा है कि ए अनुपात सी बताइए, तो ए की वैल्यू 35 और बी की वैल्यू सी की वैल्यू 12 है। ठीक है ना, जो पूछा वो बता दो, ए सी बताना। तो ए की वैल्यू कितनी है 35 और सी की वैल्यू कितनी है 12 है, यही आंसर है, नोट करें।